चाहिए। आओ जी जिनेश साहब आओ 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 बुढ़िया नंदनी तुम्हारी बहन है क्रॉस कर दो ले लो ना फिर उसका भी 5 साल की है 5 साल दूसरी ले लो बुढ़िया 5 साल वाला दे देना उसको बुढ़िया छोटी है अच्छा जी आप दो अरे यार कौन सा बच्चा है चलो ये बच्चा आया नहीं सर रोटी कोई बात नहीं दे दिया ठीक है कोई नहीं ले लो आओ ऊपर करो ये आओ ऊपर करो देखो जी नाम आप याद रखो रोशनी रोशनी एक दो साल की है एक 12 साल की है क्या नाम है इसका दीवानशी का है दीवानशी 2 साल की है एक साल की है आगे के लिए बेटा आगे के लिए अरे ऐसे पीछे हो जाए थोड़ा सा आपका नाम देखा ओके चलो अंदर पीछे इधर 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 सखी के 3 बच्चे हैं राम जी कहाँ है इधर देखो इधर देखो ना देखो ना 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 जो बच्चा आ गया मैं पूरी बॉडी वो नाम नहीं ये छोटे ये दोनों तीनों छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को बुलाओ आओ बेटा आगे आ जाओ शाब इनको तीनों चारों को एक हाथ में देके एक फोटो खिंचवा दो कोई नहीं हो कोई बात नहीं बेटा छोटे बच्चे हैं जो अवेलेबल है कोई बात नहीं आ जाओ बेटा तीनों खड़े हो जाओ शाबाश इधर आ जाओ बेटा इधर आ जाओ शाबाश वेरी गुड कम ऑन कोई बात नहीं और ले लेंगे वेरी गुड बहुत अच्छे उधर देखो और कितना चलिए नमस्कार साथियों मैं अजय सैनी साथियों आज आपसे मिलवाना चाहूंगा एक ऐसा मंच एक ऐसा समाज खत्री समाज जिनका एक संगठन है जो समय समय पर गरीब बच्चों की हर प्रकार की सहायता करते हैं मदद करते हैं जैसे कि सर्दी का मौसम है आप देख ही रहे हो और सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है और आज ये लोग सभी संस्था के जितने सदस्य हैं आज यहाँ गरीब बच्चों को कपड़े बांटने के लिए आए हुए हैं तो इनके प्रधान से पूछते हैं इस बारे में कि क्या कहना चाहेंगे आओ प्रधान जी आपका हंसी की आवाज़ चैनल पर स्वागत है और आज ये बताना चाहेंगे कि आज क्या प्रोग्राम है यहाँ इस बारे में थोड़ा बताइए प्रोग्राम तो कुछ हम करते हैं प्रोग्राम तो वो होता है जब हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं ये तो गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए हमने छोटा सा एक प्रयास किया है और ये प्रयास मुझे लगता है पूरे हांसी शहर के क्या पूरे भारत के लोगों को करना चाहिए क्योंकि अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ कार्य करता है और हमें उन बच्चों के लिए जो जिनकी स्थिति कमजोर है या जो बच्चे कपड़े खरीद नहीं सकते उनके पेरेंट्स के लिए उनके लिए हमें समय समय पर उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि एक मानवता ही ऐसी चीज है
मानव ही मानव की सेवा करनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि इसी तरह से सर्दी हो या गर्मी, आप अपने परिवार के अलावा जो आपके परिवार के सदस्य नहीं है उनको भी अपना परिवार का सदस्य मानकर उनकी भी टाइम टाइम पे हेल्प करें, यही हमारा छोटा सा प्रयास है। और प्रधान जी मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी संस्था और क्या क्या कर रही है, मतलब करने जा रही है और कौन से कार्य किए हैं आपकी संस्था ने अब तक? टाइम टाइम पे हम लोगों ने गौ सेवा का कार्य, हम प्राथमिकता रहती है हमारी गौओं के सेवा के लिए, उनकी गौशाला में हम मेडिसिन वितरण काम करते हैं, मेडिसिन वितरित करते हैं, दो तीन गौशाला में हमने दी भी हैं। और समाज के अंदर जो समाज सेवी लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, अपनी सेवाएं बिना किसी पैसा लिए बिना किसी चार्ज लिए जो सेवा करते हैं उनका भी हम सम्मान हमने किया है। पीछे खत्री एकता समिति ने समाज सेवी सम्मान समारोह किया था, तो मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति सम्मान के काबिल है उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके उनको मोटिवेट करता है और उनको बढ़ावा देता है कि वो समाज में और भी बढ़ चढ़ कर काम करें। चलो ठीक है जी, धन्यवाद प्रधान जी, आपने बताया, बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही गरीबों की मदद करते रहें। आपका इस कार्य के लिए धन्यवाद, और हमसे जो सहयोग होगा आपके साथ हम तन मन से लगे रहेंगे। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हांसी वासियों को और हरियाणा वासियों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अपने परिवार के लिए हर बंदा हर इंसान कार्य करता है, आप उन बच्चों के लिए भी कार्य कीजिए, उनकी पढ़ाई में शिक्षा में उनकी हेल्प कीजिए, उनको सर्दी से बचाने के लिए कपड़े वितरित कीजिए, गौओं की सेवा कीजिए, अच्छे कर्म है वही आपके काम आएंगे और उसकी तारीफ हर बंदा करता है। जैसे आप लोगों ने अभी कहा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, फिर मैं यही सबसे एक संदेश देना चाहूंगा पूरे हांसी वासियों को कि ऐसे भलाई के कार्य वो करते रहे सभी के सभी। धन्यवाद प्रधान जी, थैंक यू।